नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग करियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के सेकंड ईयर कोर्स माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। आज हम निमेटोड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, एस्करिस लुम्बरिकोइडिस, हुकवर्म, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं निमेटोड्स के बारे में कि निमेटोड्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आमतौर पर राउंड वॉर्म के रूप में जाना जाता है। निमेटोड्स वॉर्म का एक ग्रुप है जो फाइलम निमेटोड बनाते हैं। 15,000 से अधिक स्पीसीज की पहचान की गई है। वे टेरिस्टेरियल से लेकर मेरीन एनवायरमेंट्स तक के डिफरेंट हैबिट्स या आवासों में पाए जा सकते हैं। निमेटोड स्पीसीज को एक दूसरे से अलग करना मुश्किल हो सकता है। नतीजन डेयर द्वारा डिस्क्राइब निमेटोड स्पीसीज की संख्या का अनुमान लेखक द्वारा भिन्न हो सकता है और समय के साथ तेजी से बदल सकता है। अपन बात करते हैं एस्करिस लुम्बरिकोइडिस के बारे में। एस्करिस लुम्बरिकोइडिस का कॉमन नेम राउंड वर्म होता है। इसका वर्ल्ड वाइड में डिस्ट्रीब्यूशन है। यह मैन का सबसे लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल का निमेटोड पैरासाइट है। एडल्ट वर्म मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन या जूनियम में रहता है। इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एडल्ट वर्म यह लंबी और गोलाकार होती है और दोनों सिरों पर टेपर में होती है। मेल वर्म की लंबाई लगभग 15 to 25 सेंटीमीटर और डायमीटर में 3 to 4 मिलीमीटर होता है। टेल एंड हुक के रूप में वेंट्रिकल रूप से घुमावदार होता है। क्लोका से दो घुमावदार कैप्लूटिक स्पाइट्स मेल वर्म की तुलना में फीमेल वॉर्म लंबा और दुमक्कड़ होता है। यह लेंथ में 25 to 40 सेंटीमीटर और डायमीटर में 5 मिलीमीटर होता है। टेल एंड कॉनिकल और स्ट्रेट होती है। वुल्वा एंटीरियर के जंक्शन और बॉडी के मिडल थर्ड पर ओपन होती है। वॉर्म का यह पार्ट सकरा होता है और इसे वुलर वेस्ट कहा जाता है। एक मैच्योर फीमेल एस्करिस में भारी अंडे देने की क्षमता हो सकती है, जो रोजाना लगभग 2 लाख एग्स लिबरेट कर सकती है। एग्स की बात करें तो एग्स वुमन होस्ट के फीसेस के साथ पैस्ड हो जाते हैं। एग्स ह्यूमन होस्ट के फीसेस के साथ पास्ड हो जाते हैं। एग्स दो प्रकार के होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग्स यह साइज में राउंड या ओवल होता है, जिसकी लंबाई 60 to 75 माइक्रोमीटर की होती है और चौड़ाई 40 to 50 माइक्रोमीटर की होती है। फर्टिलाइज्ड एग्स की बात करें तो यह साइज में राउंड या ओवल होता है, जिसकी लंबाई 60 to 75 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 40 to 50 माइक्रोमीटर होती है। यह बाइल से स्टेन होता है और इस प्रकार कलर में ब्राउनिश होता है। यह एक थिक ट्रांसलूशन सराउंडेड होता है, जिसमें बाहरी रुगोसाइट्स के रूप में एक आउटर एल्बिनियस कोट होता है। यह आउटर कोट समटाइम लॉस्ट हो जाता है। इसमें एक लार्ज अनसेगमेंटेड ओवियम होता है। यह कॉमन सॉल्ट के सेचुरेटेड सोल्यूशन में फ्लोट करता है। इस स्लाइड में एस्करिस लुम्बरिकोइडिस को दर्शाया गया है, जिसमें जो लार्ज वाला है वह फीमेल और स्मॉल वाला है वह मेल होता है। बात करें अनफर्टिलाइज्ड एग के बारे में, तो फीमेल भले ही अनफर्टिलाइज्ड एग कर सकती है। यह सकरा और लंबा होता है, जिसकी लंबाई 80 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 55 माइक्रोमीटर होती है। यह बाइल से स्टेन हुआ होता है और ब्राउनिश कलर का होता है। इसमें एक थिनर शेल होती है, जिसमें टेपर की कोडिंग होती है और वेंट्रिकल स्पिक्चरल एल्ब्यूमिन होता है। इसमें एक छोटा एड्रोफाइड ओव्यूम होता है। यह कॉमन सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फ्लोट नहीं करता है। बात करें एस्करिस लुम्बरिकोइडिस के लाइफ साइकिल के बारे में, तो एस्करिस लुम्बरिकोइडिस केवल एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को पासिस करता है। कोई इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। मैन ओनली डेफिनेटिव होस्ट होता है। एडल्ट वॉर्म मैन के जेजुनम में रहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग फीसेस में पास्ड किए जाते हैं। वे इस लेवल पर ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव होते हैं। एग सोइल में डेवलपमेंट से गुजरते हैं। एग्स के भीतर एक रैबिट विकसित किया जाता है। यह एग रैबिट फॉर्म लार्वा से युक्त होते हैं, जो ह्यूमन या मैन के लिए पैथोजेनिक होते हैं। ह्यूमन या मैन फूड के इंजेक्शन द्वारा इन्फेक्शन प्राप्त करता है। ड्रिंक रो वेजिटेबल्स एग्स के साथ कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, जिसमें रैबडिटी फॉर्म लार्वा एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं। ऊपरी भाग में रैबडिटी फॉर्म लार्वा स्मॉल इंटेस्टाइनल या ड्यूडेनम से मुक्त होते हैं।
जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं ये न्यू हैच लार्वा तब स्मॉल इंटेस्टाइनल के म्यूकोसल मेम्ब्रेन के माध्यम से अपना रास्ता ब्रो करते हैं और पोर्टल सर्कुलेशन द्वारा लीवर में ले जाते हैं। फिर ये लीवर से बाहर निकलते हैं और राइट हार्ट के थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन में एंटर करते हैं। वे कैपिलरी की वाल के थ्रू से ब्रेक करते हैं और लंग्स के एलुलाई तक पहुंचते हैं। यहां से लार्वा ब्रोंकाई और ट्रेकिया को क्रॉल करते हैं और लैरिंग्स और फेरिंग्स में प्रवृत्ति होती है और निगल जाते हैं। वे स्टमक में ईसोफेगस से गुजरते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइनल के अपर पार्ट में लोकलाइज रहते हैं। लार्वा एडल्ट वॉर्म में विकसित होता है और उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है। ग्रेविड वाली फीमेल स्टूल में एग्स डिस्चार्ज करना शुरू कर देती है और लाइफ साइकिल दोहराया जाता है। इस स्लाइड में एस्करिस लुम्बरिकॉइडिस की लाइफ साइकिल को दर्शाया गया है। बात करें इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में तो इसमें इन्फेक्टिव फॉर्म एम्ब्रियोनेटेड एग्स होती है। पोर्टल की एंट्री एलिमेंट्री कैनाल या इंजेक्शन द्वारा होता है। लोकेशन की साइट स्मॉल इंटेस्टाइनल होती है। इसकी डिजीज की बात करें तो यह एस्करेसिस या एस्करिस लुम्बरिकॉइडिस का इन्फेक्शन करता है। हैवी इन्फेक्शन से इंटेस्टाइनल में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। लंग्स में लार्वा की उपस्थिति से निमोनिया के सिम्टम हो सकते हैं। बात करें इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में तो स्टूल एग्जामिनेशन में एडल्ट वॉर्म या एग्स का डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। बेरियम मील्स के अंदर यह कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइनल में एडल्ट वॉर्म की प्रेजेंस को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। विसरल लार्वा माइग्रेंस में एक ऐसी स्थिति है जो कुछ नेमेटोड पैरासाइट एनिमल्स के एम्ब्रियो के एग्स के इंजेक्शन के कारण होती है। आइए इसी से जुड़ा अपने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। द पासेस डाउन द ईसोफेगस टू द स्टमक एंड लोकलाइज इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर नॉर्मल। इसका ऑप्शन है अपर पार्ट, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट या लोअर एंड मिडिल पार्ट। तो इसका सही आंसर होगा अपर पार्ट, यानी कि ऑप्शन ए। अब अपन बात करते हैं हुक वॉर्म के बारे में। ह्यूमन हुक वॉर्म एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल और अमेरिकाना सभी ट्रॉपिकल और सबकेटेनिकल कंट्रीज में वितरित किए जाते हैं। एडल्ट वॉर्म ह्यूमन या मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल की बात करें तो इसके मॉर्फोलॉजी की बात करें सबसे पहले तो इसमें एडल्ट वॉर्म यह शेप में छोटा ग्रेश वाइट और सिलेंड्रिकल होता है। एंटीरियर एंड डोर्सली रूप से बैंड हुआ होता है, इसलिए सेक्सुअल हुक वॉर्म कहा जाता है। बकल कैप्सूल 6 टीथ के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। 4 हुक वेंट्रिकल सरफेस पर और 2 नोब्स डोर्सल सरफेस पर होता है। कॉपुलेशन के दौरान फीमेल के साथ अटैचमेंट के लिए मेल वॉर्म में कॉपरेटिव वर्सा प्रेजेंट होता है। इसमें 3 लोब होते हैं, प्रत्येक लोब को ग्लाइटिनस रेस द्वारा समर्थित किया जाता है। मेल वॉर्म फीमेल वॉर्म से छोटा होता है। यहाँ पर एडल्ट मेल और फीमेल एनसाइलोस्टोमा को दर्शाया गया है। एग ओवल होता है जिसकी लंबाई 65 माइक्रोमीटर होती है और चौड़ाई 14 माइक्रोमीटर होती है। यह कलरलेस होता है, बाइल से स्टेन हुआ नहीं होता है और एक थिन ट्रांसपेरेंट हाइली शियल मेम्ब्रेन से सराउंडेड हुआ होता है। इसमें 4 ब्लास्टोमेर्स के साथ एक सेगमेंट ओवियम होता है। एग सेचुरेटेड सॉल्ट के सॉल्यूशन में फ्लोट करता है। इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो मैन ओनली डेफिनेटिव होस्ट होता है। इसमें कोई इंटरमीडिएटेड होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। सेगमेंट ओवर ब्लास्टोमेर वाले एग्स 4 व्यक्तियों से संक्रमित के फीसेस में पास किए जाते हैं। मिट्टी में प्रत्येक एग से 48 घंटे में एक रेबडिटी फॉर्म लार्वा निकलता है। रेबडिटी फॉर्म लार्वा एक फिलीफॉर्म लार्वा में डेवलप होता है। यह पैरासाइट की पैरासाइट स्टेज है और यह अनब्रोकन स्किन को भेदने में सक्षम होता है। जब कोई पर्सन फायरलेरिया को लार्वा युक्त मिट्टी पर नंगे पैर चलता है तो वे स्किन को भेदते हैं। चमड़े के नीचे के टिश्यू तक पहुंचने पर लार्वा लिम्फ या स्मॉल वेंस में एंटर करता है। लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम के माध्यम से वे वीनस सर्कुलेशन में प्रवेश करता है और राइट हार्ट के माध्यम से पल्मोनरी कैपिलरीज में ले जाया जाता है, जहां वे कैपिलरी की वाल के माध्यम से टूटते हैं और इस तरह एलुलर स्पेस में प्रवेश करते हैं। एलुलाई से लार्वा ब्रोंकाई, ट्रेकिया और लैरिंक्स में जाता है। एपिग्लॉटिस से फेरिंग्स पर क्लॉर करता है और अंततः निगल जाता है। लार्वा स्मॉल इंटेस्टाइन में सेटल डाउन और एक एडल्ट वॉर्म में डेवलप होता है। एडल्ट वॉर्म अपने माउथ पार्ट्स द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है।
मेल फीमेल को फर्टिलाइज करता है और फर्टिलाइजेस फीमेल फीसेज में एग देना शुरू करती है और लाइफ साइकिल इस प्रकार दोहराया जाता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें इन्फेक्टिव एजेंट फिलिफोर्म लार्वा होता है, पोर्टल की एंट्री स्किन के द्वारा होती है। इसके डिजीज की बात करें तो एडल्ट वर्म के कारण मैन या ह्यूमन में हुक वर्म डिजीज की विशेषता मुख्य रूप से एनीमिया है। एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल का एडल्ट वर्म अमेरिकानस के एडल्ट वर्म की तुलना में अधिक ब्लड सक करता है। माइग्रेटिंग के कारण की बात करें तो लार्वा एनसाइलोस्टोमा डर्मेटाइटिस या ग्राउंड इच करता है। इन इरप्शन और क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेट करता है। लंग्स में लीजन ब्रोंकोटाइटिस और ब्रोंको न्यूमोनिया तब हो सकता है जब फाइलेरसी लार्वा एल्वोलाई सेक्स में प्रवेश करते हैं। आइए इसी से जुड़े अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। द एडल्ट वर्म अटैच देमसेल्फ टू द ब्लैंक स्पेस बाय देयर माउथ पार्ट। तो इसका सही आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ऑप्शन ए। अब अपन बात करते हैं हुक वर्म के लैब डायग्नोसिस के बारे में, जो कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा किया जा सकता है। डायरेक्ट मेथड में ये स्टूल के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एडल्ट वर्म या करेक्टरिस्टिक्स हुक वर्म एग्स खोजने के लिए किया जाता है। एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल या अमेरिकानस के एग्स को मॉर्फोलॉजी द्वारा विभेदित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार स्पेसिफिक डायग्नोसिस केवल एडल्ट वर्म के मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। ड्यूडेनल कंटेंट्स एग्स या एडल्ट वर्म को प्रकट कर सकती है। इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो माइक्रोटेटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया और इयोसिनोफिलिया को प्रकट करने के लिए ब्लड एग्जामिनेशन किया जा सकता है। बात करें नेकेटर अमेरिकानस के बारे में तो नेकेटर अमेरिकानस के लाइफ साइकिल डिजीज और लेबोरेटरी का ड्यूडेनल एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल के समान होता है। अब अपन बात करते हैं एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस के बारे में। यह एक इंटेस्टाइनल के निमेटोड होता है जो ह्यूमन के सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में प्रेजेंस होता है। इसके लिए सामान्य नाम या कॉमन नेम थ्रेड वर्म और पिनवर्म होता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एडल्ट वर्म छोटा और वाइट कलर का होता है। मेल्स में इसकी लंबाई 2 to 4 millimeter और 0.1 to 0.2 mm तक घिरा हुआ होता है। बॉडी का पोस्टीरियर थर्ड पार्ट मेल में कर्व्ड होता है लेकिन फीमेल में स्ट्रेट होता है। फीमेल का साइज लंबाई में 8 to 12 millimeter और इसके सबसे थिकनेस पार्ट में 0.3 to 0.5 millimeter होता है। एग्स की बात करें तो एग्स की विशेषता इस प्रकार है, कलरलेस यानी नॉट बाइल स्टेंड, शेप में प्लेनो कॉन्वेक्स यानी वेंट्रल साइड पर फ्लैटिनेटेड और डोर्सल साइड पर कॉन्वेक्स होता है। इसकी जो लंबाई होती है वह 50 to 60 picometer होती है और जो चौड़ाई होती है वह 30 micrometer होती है। इसमें टेडपोल जैसा लार्वा होता है, कॉमन सोल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फ्लोट करता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो इन्फेक्शन एग्स के इंजेक्शन से होता है जिसमें लार्वा होते हैं। इन एग्स को पेरिनियल स्किन पर रखा जाता है और इन एग्स के साथ फिंगर के कंटामिनेशन स्क्रैचिंग के दौरान होते हैं। एग्स शेल के डाइजेस्टिव जूस द्वारा डिजोल्व कर दिए जाते हैं, इसलिए लार्वा स्मॉल इंटेस्टाइन में बच जाते हैं और वर्म में विकसित होते हैं। मेल वर्म फीमेल को फर्टिलाइज करता है और मर जाता है। फिर फीमेल सिकम और कोलन या वर्मीफोर अपेंडिक्स में भी प्रवास करते हैं और एग्स के विकसित होने तक बनी रहती है। फर्टिलाइज फीमेल फिर भटक जाती है और रात के दौरान पेरिनल स्किन पर एग्स जमा करने के लिए एनस से बाहर निकलती है। इन एग्स को फिर से स्क्रैचिंग के दौरान फिंगर्स के कंटामिनेशन द्वारा निगल लिया जाता है और साइकिल दोहराया जाता है, इसलिए कोई इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इस स्लाइड में एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस के लाइफ साइकिल को दर्शाया गया है। अब अपन बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। तो कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक प्रभावित पेरिनियल एरिया को स्क्रैचिंग करते समय एग्स को अपनी उंगलियों पर ले जाने से ऑटो इन्फेक्शन, रेट्रोग्रेड या प्रतिगामी इन्फेक्शन जिसमें पेरिनियल स्किन पर रखे गए एग्स इमीडिएटली इन्फेक्टिव स्टेज लार्वा में प्रवेश करते हैं और एनएस के माध्यम से कोलन में वर्म में डेवलप हो जाते हैं। डिजीज की बात करें तो ये एंटेरोबियासिस, पैटिडियस एनी चिल्ड्रन आमतौर पर प्रभावित होते हैं। नेक्टुनरल एन्यूरियोसिस, मिक्चुरेशन की फ्रिक्वेंसी, चिल्ड्रन आमतौर पर इफेक्ट होते हैं। डेमोस्ट्रेशन ऑफ एग्स की बात करें तो आमतौर पर एग्स को एक NIH या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्वैब द्वारा पेरिनियल स्किन से स्क्रैप में
डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। पेशेंट को सुबह उठने के तुरंत बाद स्वैब लेना चाहिए। एक्स भी फिंगर नेल्स के नीचे पाए जा सकते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन में ओवीपिराइजेशन दुर्लभ है। यह एंटेरियर अमीबस वर्मिकुलरिसिस के एक्स के लिए स्टूल की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कभी कभी सक्सेसफुल हो सकती है। अब अपन बात करते हैं वर्मिकुलरिस ब्रेंकोफाइटी के बारे में। यह मेनली ट्रॉपिक्स या सब ट्रॉपिक्स तक ही सीमित है। एडल्ट वॉर्म लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक नोड्स में पाए जाते हैं, जबकि एम्ब्रियोनिक फॉर्म मनुष्य के पेरिफेरियल ब्लड में मौजूद होते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसके एडल्ट वॉर्म ट्रांसपेरेंट लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वे अक्सर क्रीमी व्हाइट कलर के होते हैं। वे शेप में फिलीफॉर्म है और दोनों छोर पर टेपिंग होते हैं। मेल की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है वह 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है और इसकी मोटाई 0.1 मिलीमीटर की होती है। फीमेल्स की बात करें तो इसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर की होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वह होती है 0.2 से 0.3 मिलीमीटर। मेल की टेल के अंत में घुमावदार रूप से घुमावदार होता है और इसमें दो असमान लंबाई होती है, जबकि फीमेल नैरो और एब्रप्टली पॉइंटेड होती है। एम्ब्रियोस के साथ एग्स प्रोड्यूस करते हैं। एडल्ट वर्म का लाइफ स्पैन कई वर्ष या 5 to 10 ईयर्स तक हो सकता है। एम्ब्रियोस की बात करें, बैरिंग सिर और नुकले पूंछ के साथ रंगीन और पारदर्शी होते हैं। एम्ब्रियो साइज में 290 माइक्रोमीटर इंटू 6 से 7 माइक्रोमीटर मेजर का होता है और एक हाइलिन शीट द्वारा कवर किया जाता है। शीट एम्ब्रियो की तुलना में बहुत लंबा होता है। सोमेटिक सेल्स या न्यूक्लई एम्ब्रियो के सेंट्रल एक्सिस में ग्रेनुलर के रूप में दिखाई देते हैं और सिर से पूंछ के अंत तक फैले होते हैं। इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो बुचेरे ब्रैंकोप्टी अपने लाइफ साइकिल को दो होस्ट यानी ह्यूमन डेफिनेटिव होस्ट और मॉस्किटो इंटरमीडिएट होस्ट में से गुजरता है। मैन के लिम्फेटिक सिस्टम में एडल्ट वर्म शरण लेता है, मेल फीमेल को फर्टिलाइज करता है। माइक्रोफिलेरिया या एम्ब्रियोस को ग्रेविड फीमेल द्वारा डिस्चार्ज किया जाता है और ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाया जाता है। माइक्रोफिलेरिया एक मॉस्किटो में आगे के डेवलपमेंट से गुजरता है और मैन के लिए संक्रामक हो जाता है। जेनेक्स, क्यूलेक्स, एडिस और एनाफिलिस से संबंधित मॉस्किटोज इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में कार्य करते हैं। आइए इसी से जुड़े अपने एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। उच्चेरिया ब्रैंकोप्टी इज मेनली कन्फर्म्ड टू द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। एडल्ट वर्म आर फाउंड इन ब्लैंक स्पेस। तो इसके ऑप्शन है लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ अबव। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो एक ह्यूमन को बाइट करता है तो इन्फेक्टिव लार्वा स्किन में प्रवेश कर जाता है और लिम्फेटिक चैनल तक पहुंच जाता है और आमतौर पर स्क्रोटल और एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स में बस जाता है, जहां वे एडल्ट वर्म स्थानों में विकसित होते हैं। वे सेक्सुअल मैच्योर हो जाते हैं, मेल फीमेल को फर्टिलाइज करते हैं, फीमेल भ्रूण को जन्म देती है। इस प्रकार लाइफ साइकिल दोहराया जाता है। इसके डिजीज की बात करें तो ये ब्यूचेरोसिस और फ्लोरोसिस प्रोड्यूस करता है। क्लासिकल फ्लोरोसिस एडल्ट वर्म के द्वारा होता है और एम्ब्रियोस के द्वारा होता है। अब अपन बात करते हैं ब्यूचेरिया ब्रैंकोप्टी के लैब डायग्नोसिस के बारे में। तो यह डायरेक्ट एविडेंस या माइक्रोफिलेरिया और एडल्ट वर्म को सर्च और इनडायरेक्ट एविडेंस या सीरोलॉजिकल टेस्ट पर निर्भर करता है। डायरेक्ट एविडेंस पर पेरिफेरल ब्लड फिल्म कॉयल्स, यूरिन में माइक्रोफिलेरिया का डेमोन्स्ट्रेशन लिम्फ वेरिक्स और हाइड्रोसेलिक फ्लूड का एक्सुडेट करता है। रात में पेरिफेरल ब्लड में माइक्रोफिलेरिया बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं, इसलिए ब्लड फिल्म रात में 10 PM और 2 AM के बीच बनाई जानी चाहिए। इनडायरेक्ट एविडेंस की बात करें तो एंटीजन के एलर्जी के रिएक्शन के कारण इयोसिनोफिलिया का पता लगाया जा सकता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे या एलाइजा, इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी और इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन ऐसे जैसे सीरोलॉजिकल टेस्ट का भी उपयोग किया जा सकता है। इन टेस्ट में सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कम होती है। यहाँ पर एक चित्र को दर्शाया गया है जो कि ब्यूचेरिया ब्रैंकोप्टी की लाइफ साइकिल को शो कर रहा है। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आप दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।